563-334-8828. मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। वफा तुम न देखोगे हरगिज किसी में, जमाना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान और दीन की, जमाना वो ऐसा अजीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मज़ा पा रहा हूँ। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। निगाहों में सुल्तानियत ही होगी, जो पाएगा दिल में पयामे मदीना। सुकूने जहाँ तुम कहाँ ढूंढते हो, सुकूने जहाँ है निजामे मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको, फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह 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 जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह बहुत जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आपकी इस खूबसूरत खूबसूरत अंदाज़ में, जो आपकी आवाज़ है, अंदाज़ है, उस सब के लिए बहुत शुक्रिया। और दूसरा,
जुनेद भाई है, हाँ जी, को याद कराने का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, जब पढ़ते ही उसकी पूरी जो है ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने घूम गई। बहुत ही, व्हाट अ ग्रेट मैन आई मस्ट से ही इज, बिकॉज आज भी हम उसको याद कर रहे हैं। राइट right. और एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग वो भी एक अलग चीज़ है, एज अ सिंगर एक अलग चीज़, इसके अलावा दीनी एतबार से ख़ास तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन में बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा। उसकी हम, उसकी नातें, उनकी बातें, उनकी ट्रांसमिशंस जो वो किया करते थे, तो ग्रेट लॉस आई मस्ट से। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान में एक्चुअली आई थिंक अच्छी बातों का यही एक बहुत गहरा असर होता है कि वो हमेशा कायम रहती हैं, बेशक वो किसी ना किसी रूप में, अंदाज में। अब आप एक सेकंड में एक देखा जाए तो वापस से जिंदा वाली कैफियत मौजूद है कि जी मौजूद हैं, मौजूद वो है। उनका असर बाकी है, उनकी वो फील बाकी है, जी, वो जी। ख्याल बाकी है, और वाकई कितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, बहुत बहुत, और बड़ी सैक्रिफाइसेस हैं राइट, और आसान नहीं है। हाँ, जो कुछ उन्होंने किया था वो बड़ा अमल था जिससे वो गुजरे थे। बिल्कुल जी, बड़े लोगों के ऊपर बड़ी आजमाइशें भी आती हैं, दैट्स वेरी ट्रू। बहुत टफ टाइम्स भी देखे और ऐसा टाइम भी देखा कि ही वाज वन एंड ओनली, राइट, वो टाइम भी देखा। और हम सब जो हैं आज भी अगर उनको याद कर रहे हैं तो यकीनन हमारी तरफ से तो समझें कि एक तरह से एक खराज तहसीन ही है जो हम पेश कर सकते हैं। हमारी जो जितने हमारे सुनने वाले हैं, जितने हमारे देखने वाले हैं, फेसबुक पे हमें लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो जुनैद जमशेद को आज हमने याद किया है और आंखें नम हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जुनैद भाई की मुझे एक एक बात याद है कि उनसे कोई इंटरव्यू ले रहा था, मुझे याद नहीं कि कौन ले रहे थे, मगर उनसे ही सवाल किया था कि अचानक से क्यों ऐसा महसूस हुआ, कैसे कैसे आपने इतनी बड़ी चेंजेस लेकर आ गए। तो मुझे याद है कि उन्होंने जो बात कही थी ना, वो कुछ इस तरह से कही थी कि कुछ अंदर चल रहा था अरसे से, वो हमेशा एक चलता जा रहा था। फिर कहने लगे एक दफा मैं गुजर रहा था एक जगह से जहां मैंने देखा कि एक कुत्ता मरा पड़ा था और मैं गुजर गया, मगर मैं गुजर तो गया मगर मैं पलट के वापस आया। उस दिन क्या एहसास था मुझे, मैं वहां से वापस लौटा, जब मैं वापस लौटा तो मैंने उस कुत्ते को दफनाया और दफनाते वक्त मैंने उससे एक अंदर ही अंदर अपने दिल में ये बात कही थी कि गवाह रहना कि मैंने तुम्हें दफनाया था। क्योंकि वो एक पॉइंट होता है ना कुछ बातों के जाके, वो एक था कि शायद एकदम से मुझे क्लिक हुआ था उसके बाद कि एक स्टेप आगे बढ़ाने वाला। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सफ़र जो था उनका, ये काफ़ी बहुत अरसे से था। बिल्कुल मुझे याद है हम टूर कर रहे थे इंग्लैंड का। इंग्लैंड का, अच्छा। दिस वाज आई थिंक दिस वाज 1998 था शायद, या इसी के आसपास था जी। तो मुझे कहने लगे कि अक्सर लोग ये होता है कि जब उस दौर में होते हैं, व्हेन यू वेरी यंग, तो आप लोग अपने दोस्तों यारों के साथ घूमते हैं, मस्ती करते हैं, शगल करते हैं, पार्टीज करते हैं जी, उसका ज़्यादा टाइम होता है। तो मुझे कहने लगे कि अली यार चल एक जगह चलते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा शायद कहीं खाने पीने के लिए या कुछ मस्ती शौक शगल के लिए जा रहा होगा। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत थी। तो हमारा टूर भी आई थिंक कोई 15 डेज का टूर था। अच्छा। उसमें बीच में जब गैप आते थे तो अक्सर हम लोग गपशप भी करते थे, उसकी बातों से भी पता चलता था। तो एक दिन मुझे वो लेके गए, तो उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो अपने जिन दोस्तों के पास लेके गए थे तो वो उनकी वो जमात थी। अच्छा। जिसमें बहुत बिल्कुल ही अलग अलग लोग थे। हम लोग पॉप सिंगर्स, वो सारे वहाँ पे मौलाना हजरात, बहुत ही बुर्दबार और अच्छी शख्सियात वहाँ पे मौजूद थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ जी वहाँ पे जाके, तो कहने लगा यार मुझे यहाँ अच्छा लगता है आना। तो मैंने कहा ज़रूर यार, बहुत अच्छे लोग हैं। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला उस पूरे सिलसिले को,
वो फौरन नहीं हो गया, राइट. उसमें बहुत मराहिल आए, वो उसमें जाना, उसमें फिर वापस आ जाना, कुछ माली मुश्किलात भी होती हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत मुश्किलात होती हैं, लेकिन अंदर से वो जो अभी आपने बात की कि वो एक टूट फूट जो थी वो थी, और ऐसा कभी भी नहीं है कि वो मेरे साथ तो जब भी बात हुई तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं था कि वो उसने कभी म्यूजिक को बुरा बोला हो या सिंगर्स को बोला हो. सिर्फ ये कहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत, जब आप शोहरत हासिल कर लेते हैं ना, एक टाइम ऐसा पहुंच जाता है जब आप कहते हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट. हां, व्हाट्स नेक्स्ट, वो अचीव कर लिया, सुकून नहीं मिल रहा, कुछ अचीव कर लिया, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं आप, और आपको नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं. नेक्स्ट लेवल या तो आप जाने वाले होते हैं और वो रोक लेते हैं, हर्डल्स भी होते हैं, रुक रहे होते हैं आप, या जा रहे होते हैं फिर वापस आ जाते, फिर जाते हैं फिर आते हैं, लेकिन अल्लाह आपकी वो सब कोशिश देख रहा होता है. तो वो कहता था यार सुकून मुझे पता नहीं क्यों इन कॉन्सर्ट से और इन हंगामों से नहीं मिलता, मुझे सुकून वहीं आके वही फर्श पे बैठ जाना और वो थोड़ी बातें अल्लाह की कर लेना. तो वो उसमें 1996 से या उससे पहले से ही मैंने देखना शुरू कर दिया. फैसला तो उन्होंने बाद शायद में लिया था, बाद में लिया था. फिर मुझे याद है कि वो इतना जब टाइम के बाद आप आगे निकलते हैं तो नहीं, तो खैर वो अरे अरे जी भाई तो मानी दूं आपको? नहीं नहीं, मेरा रोजा है. अरे सॉरी. तो बीच में कोई ऐसा वक्त आया जी के मुझे जरूरत पड़ी लोगों की. सो ही वाज देयर, ही वाज ऑलवेज देयर, और बहुत उसने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक दिल से और खुलूस के साथ, बिल्कुल भाई समझ के. हाँ बिल्कुल. नहीं, आपके आंसू पता है आपके लफ्जों से ज्यादा बयान कर रहे हैं कि जुनैद भाई ने किस खुलूस, किस मोहब्बत, किस प्यार के साथ आपके साथ शामिल हुए होंगे इसमें. He was always there. जब भी कभी होता था फोन करना, बहुत ही आके पिक कर लेता था, घंटों हम लोग बातें करते थे. और ये उस वक्त क्योंकि मैं म्यूजिक छोड़ चुका था अपनी किसी वजह से, तो ऐसा नहीं था कि मुझसे कोई काम हो, या खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नहीं था कि हमें कोई माली परेशानी हो या ऐसी कोई कोई बात, ऐसा नहीं था. बट उसको वो टाइम याद था, उसे उसे वो वक्त याद था कि वो कितना टफ होता है. जी जी. तो आता था लेके जाना, ड्रॉप करना, घंटों बातें करना. और वो हालांकि बहुत मसरूफ था उस वक्त, उसकी जो जे डॉट का सिलसिला था. तो लेकिन ये कि फिर मुझे याद आया बहुत अरसे मैंने नहीं गाया, तो मुझे एक दफ़ा कहने लगा यार साउथ अफ्रीका चलते हैं, हम टूर करते हैं. अच्छा. तो किसी को उसने स्पेशली अरेंज करवाया. हाँ. और हम वहाँ पे गए और बहुत याद करते थे कि यार एक दौर था कि हम कॉन्सर्ट्स का भी प्लान करते थे और साथ में. फिर अब यहाँ पे आए हैं, अल्लाह की बातें कर रहे हैं. तो हम लोग घंटों, मुझे याद है हम एक ही रूम, हमारे रूम्स होते थे, हम सुबह तक बातें हो रही, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. और कभी उसकी किसी बात से किसी तरह ये नहीं लगा कि वो मैं या कोई ऐसी कोई गुरूर या कोई ऐसी चीज पीछे लगता नहीं था. म्यूजिक से तो हम आप क्या कमा लेंगे, राइट. तो कुछ नहीं था जो बाकी उसने आगे जाके जिस तरह से वो जिन अपने कपड़ों के काम में या और भी कुछ बिजनेस थे, अल्लाह ने ऐसी बरकत दी थी उस इंसान को कि बहुत लोगों की दुआएं उसके साथ थी. एंड ही वॉज अ ग्रेट मैन. जब उसकी मौत की खबर सुनी तो आई थिंक सब उसके चाहने वाले सभी हिल गए थे जी. और बड़ा बस कहते हैं ना अल्लाह अच्छे लोगों को उठा लेता है फौरन. वो वक्त 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 की बात होती है, वो वक्त उनका आ गया था, मगर उनसे वो सारे काम अल्लाह ने ले लिए. हाँ. जो उन्होंने लेने थे. हाँ. और मतलब मौका दे दिया. हाँ. कि वो जुनैद भाई अपना काम मुकम्मल कर सकें, जो उनके जहन में चल रहा था, जो उनके अंदर चल रहा था जी इतने अरसे के.
तो शायद वो सुकून में आ गए थे. हाँ. और आई गेस वही वाली बात जब आप कह रहे थे ना कि वो एक पॉइंट पे जाके उन्होंने कहा ये शोहरत मुझे इतनी हासिल कर ली, अब मैं आगे. अब उसके बाद शायद वो इसमें भी माशाल्लाह उन्होंने इतने इतने खुलूस और इतनी अच्छे तरीके से सब जगह बनाई थी अपनी जी, कि अल्लाह ने कहा होगा कि अब हो गया तुम्हारा काम. He was a very helpful man. जब वो फील्ड में नहीं भी थे उस वक्त भी he used to call us. बहुत कॉल करते थे हमारे वन ऑफ और वेरी रिस्पेक्टेबल मैं तो भाई कहूँगा हमारे दोस्तों में से होते थे जितने भी प्रोमोटर्स थे जी. तो उनको भी कॉल करना एक दूसरे की खैरियत मालूम करना सबको साथ लेके चलने वालों में से थे वो सबको हमेशा सबको पूछने वालों में से हमेशा हमेशा. तो आज उनकी कमी नात पता नहीं क्यों दो तीन दिन से मैं ये बहुत नात सुन रहा था बहुत ज़्यादा वो उसमें है ना तुम्हें क्या खबर है कहाँ जा रहा हूँ रसूल खुदा है वहाँ जा रहा हूँ. तो सिर्फ ये कहने की बात नहीं ही एक्चुअली फेल्ट इट कि बस ये दुनिया जो है इससे आगे भी आगे कोई दुनिया है वो तलाश करनी है वहाँ पहुँचना है. बहरहाल आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं मैं आपको ये एक बात ये बता दूँ कि ये मुझे भी नहीं मालूम था कि जुनेद भाई का सिलसिला के ये जो बली भाई बात कह रहे हैं कि अचानक से इनके चल रहा था दिल के अंदर और अचानक से इन्होंने मुझे शायद ट्रांसमिशन शुरू होने से 5 मिनट पहले कहा है कि आज मैं कल से सोच रहा हूं नजम के मैं ये पढ़ दूं कि उसको बहुत याद कर रहा था और बहुत ही गुनगुना रहा था ये कुछ यकीनन मैंने जिस तरह अभी पढ़ी होगी या दो तीन दिन से सुनी तो हजारों लाखों दफा है लेकिन खुद से पढ़ना जब होता है तो मुझे दिल में था कि उसको एक अच्छी तरीके से याद करना है उसके लिए कोई दुआ देनी है जितने लोग हैं इस वक्त सुन रहे हैं. तो हमने उसने सारी जिंदगी हमें एंटरटेन भी किया हमें सुकून भी दिया उनकी ट्रांसमिशंस ने उनकी आज भी हम सुनते हैं तो आज शायद हमारा वक्त है कि उस ग्रेट इंसान को याद करना. तो उसको एक कॉलर भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है. रेडियो दबंग ऑन एयर है आप अभी हम लोग फेसबुक लाइव है ऑफ एयर के लिए आप थोड़ी सी देर बाद कॉल कर सकते हैं. मैं नहीं इसी इंतजाम में बात कर रहा हूँ क्योंकि 97 में जी हमने एक शो किया था ईस्टर्न में अली हैदर आया था साथ में और उसके साथ जुनैद भी था. मैं और मुनीर ने मिलकर किया था यहाँ ईस्टर्न में जी. तो उस जमाने की बताने की बात थी मुझे बता दी है बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल करने का. थैंक यू सो मच. बहरहाल आज तो पूरा प्रोग्राम आई थिंक जुनैद के नाम ही अच्छा लग रहा है. एक समा से एक अलग से यू नो आपने बांध दिया है. बहुत बिल्कुल सिलसिले को लेके चलते हैं जहाँ तक हम मुमकिन होगा आपसे बात करते रहेंगे. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे रिश्ते रहमान में आप लोगों को ऑफिशियली तौर पे वेलकम करते हैं. आज हम एक अलग ही अंदाज में शुरू हुए और उसको एक अलग यू नो अब जज्बात की रॉ में इंसान ऑफ कोर्स नहीं नहीं संभल पाता. मैं बड़ा अपने आप को ऐसा होता है लेकिन अंदर से कभी कभी इंसान आई थिंक ऐसे इश्क रोकने नहीं चाहिए. ये इश्क जो देखने वाले लोग हैं ना उनके लिए एक मोहब्बत का पैगाम है उनके लिए एक 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 ऐसा पैगाम है जो ये दिखाता है कि लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए एहसास होता है. खाली मतलब की दुनिया नहीं होती चाहे लोग आपके दरमियान रहें ना रहें मगर जो वो आपके लिए कर जाते हैं एक एक अमल एक एक बात जो कह जाते हैं ना वो ताउम्र के लिए हो जाती है. वो जब भी आज कितने साल हो गए होंगे इस बात को आज भी अचानक से आप बैठ कर अचानक से उस सारी बातें इतने इतनी इतने गहराई तक महसूस कर रहे हैं कि आंखें अश्कबार हो गई हैं. तो ये सिलसिला तो यू नो ये ना रुकने ना थमने वाला सिलसिला है. अच्छाई कभी रुक नहीं सकती और बुराई ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती. तो ये तो एक कुदरती एक है तरीक़ेकार. बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम उन तमाम लोगों का जो लोग ये मुमकिन कर पाते हैं हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम ये सारी खूबसूरत बातें आपके साथ शेयर कर सकते हैं आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं. इट्स एन अमेजिंग एक रिश्ता रहमान की भी बुनियाद जिस तरीके से अली भाई ने मोहित भाई ने रेडियो दबंग ने रखी है वो सिलसिला आई कैन सी इट कि और सबको नज़र आता होगा कि ये बहुत दूर तक जाने वाला सिलसिला जी, जी, जी. और इसको लोग बहुत लोगों की दुआएं इसके साथ शामिल है. बड़ी से बड़ी मुश्किल आती है या कुछ भी आता है वो चीज़ अपने हिसाब से चलती रहती है. ये ट्रांसमिशन जो है खास तौर पर इस साल जो है वो समझे तकरीबन नामुमकिन ही हो गई थी. कुछ दिल भी ये कह रहा था हालात भी ऐसे हैं चीज़ें ऐसी हैं जाना आना परेशानियां ये वो लेकिन मोहित खान साहब ने
बल्कि मुईद खान साहब का भी जुनेद जमशेद से बहुत गहरा ताल्लुक इस तरह है कि वाइकल साइंस का पहला जो अमेरिका में टूर था मोहित भाई ने करवाया। अच्छा 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 वो मोहित भाई मेरे दिल में नहीं थी। हाँ मोहित भाई ने वाइटल साइंस का जो सबसे पहला और सबसे कामयाब टूर था वो वाइटल साइंस का मोहित भाई ने करवाया था। अच्छा। उसके बाद फिर जैसे अभी जो कॉलर थे वो बताए थे 97 में फिर हम लोग आए थे दोबारा वो बल्कि वर्ल्ड टूर था। ओके। हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, हम लोग इंग्लैंड गए थे, हम दुबई गए थे जी, और हम अमेरिका भी टूर कर रहे थे। राइट। तो वो बात की बात है लेकिन उससे पहले मोहित खान साहब ने वाइटल साइंस का एक बहुत ज़बरदस्त टूर कराया था। बहरहाल जी बिल्कुल ये सिलसिला तो होता रहेगा और साथ में बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम अल रब्बा वर्ल्ड फूड का स्पेशली दे आर ब्रिंगिंग दिस सेगमेंट टू यू। ये जो एक प्रोग्राम है एक रिश्ते रहमान जी अल रब्बा फूड की तरफ से पेश किया जा रहा है तो बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी बनती हैं। इट्स एक्चुअली द वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसरी स्टोर इन नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर यू नो अभी ऑफकोर्स रमज़ान का महीना चल रहा है आपकी जो इफ्तार की तैयारियाँ होती हैं हमारे यहाँ जो सहरी की तैयारियाँ होती हैं बड़े भरपूर अंदाज से होती हैं एंड दे हैव एन अमेजिंग अमेजिंग ग्रॉसरी। अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आपको सब कुछ अपने मतलब की चीज़ मिल जाएगी चाहे वो मिडल ईस्टर्न हो पाकिस्तानी हो कोई भी जिस तरह का भी आप ग्रॉसरी अपने घर में लेकर आते हैं। सो वी रियली लाइक टू थैंक अल रब्बा फूड एज वेल। जेम्स पर्किंस लॉ ऑफिस का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, डिस्काउंट पावर का शुक्रिया अदा करेंगे जो ये सब कुछ मुमकिन कर पाता है। यकीनन हम लोग यहाँ कर सकें। यकीनन बिल्कुल ये सारे जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं दोस्त हजरात हैं वो सब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में एक रिश्ते रहमान में शामिल हैं और हम वक्तन फवक्तन जहाँ जहाँ जैसे हो सकेगा हम हमदोनात का सिलसिला तो रखते ही हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो लोग इस रमज़ान ट्रांसमिशन में या इसके अलावा जो भी अल्लाह के करीब लोग हैं उनको भी वक्तन फवक्तन ट्रिब्यूट पेश करते रहें। राइट राइट। आज मेरी आप सब से जाने से पहले यही गुजारिश है कि सबको ही ज़रूर याद रखिएगा लेकिन आज का दिन हमने स्पेशल जुनेद जमशेद को बहुत याद किया जी, और वो हमेशा दिल में वैसे भी रहेंगे। नजम को भी बहुत पसंद है, बहुत अक्सर जिक्र करते रहते हैं, सभी पसंद करते हैं जुनैद भाई को जी। तो अपनी दुआओं में उनको उनकी फैमिली को ज़रूर याद रखें और कहीं ना कहीं डीप डाउन मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब आप दिल से कोई चीज़ पेश करते हैं तो वो पहुँचती है कहीं That's for sure. ये तो है दिल से कहीं बात असर रखती है तो कहीं कोई गलती हो गई हो कोई बात कहने में ऊंच नीच हो गई हो जो मैंने हम्द पढ़ी है यकीनन वैसी तो नहीं पढ़ी होगी जैसे जुनेद ने पढ़ी है लेकिन ये कि मैंने कोशिश की है अगर कोई गलती हो गई हो तो दरगुजर कीजिएगा। दुआओं में हम सबको हमारी पूरी टीम को भी याद रखिएगा। आज मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं आज यहीं पर इस प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपका रोज़ा भी अच्छा चल रहा होगा और आप लोगों की घर की तरफ सब खैरियत भी होगी हमारे सोसाइटी में हमारे शहर में हालात भी बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं तो ये दुआएं हमारी शामिल हैं इसमें कि जल्द से जल्द ये सब कुछ पूरे कंट्रोल में आ जाए। आमीन 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 आमीन। सबके लिए परवरदिगार हर मुश्किल आसान हो। ये कोरोना वायरस जो है इससे जो मुश्किल हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाए और परवरदिगार आप सबकी जान माल ईमान आबरू रोज़ी रिस्क इल्म अमल घर कारोबार दस्तखान औलाद ज़िंदगी इबादत तख्वा इखलास अखलाक सादगी आजी इनके सारी और उम्र में बरकतें रहमतें वसतें रफतें उरूज और बुलंदियाँ अता फरमाए। आमीन। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।